पूरा तरीका से पत्थर के मूर्ति बा। अभी कितना साल पहले के है कोनो जानकारी तो हमनी के मान ली तो पूरा तत्व विभाग बताई हमनी के तो कोनो जानकारी बा ना। लगभग एक वजन कितना हो जी मूर्ति लगभग 70-75 किलो से। खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिला है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक ये जो है ये भगवान की मूर्ति है, मुझे लगता है कि विष्णु भगवान की। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। और हम पहुंचे हुए हैं ब्रावली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले रामपुर और मोहनपुर का ये बॉर्डर है, एक तरह से ये सीमा है। जो मोहनपुर है ये नगर परिषद हो जाता है और इधर रामपुर जो है ये पंचायत हो जाता है। और यहाँ पे कुछ जेसीबी वगैरह से खुदाई चल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं इधर आप लोगों को दिखा देता हूँ। जेसीबी वगैरह से कई दिनों से यहाँ पे खुदाई चल रहा था और इसी खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिला है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक ये जो है ये भगवान की मूर्ति है, मुझे लगता है कि विष्णु भगवान की मूर्ति है। थोड़ा आप और नज़दीक आते जाइए और जेसीबी से लग कर इनका जो है हाथ वगैरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये टूट गया है। नीचे भी कुछ दो मूर्तियाँ है, इधर भी मूर्ति है और यहाँ पे ये कल का निकला हुआ है और कुछ लड़के जो है यहाँ पे लाकर रखे हुए हैं। यहाँ पे ये बलुआ टोला है यहीं पे और अगरबत्ती वगैरह जलाया गया है और इस पर कुछ पैसा वगैरह भी चढ़ाया गया है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। राउर का नाम पड़े जी? जी हरिकिशोर उर्फ मुनीब जी। मुनीब जी तो है रहुए उठा के दौमी जी, दोनों आदमी बनी से हमनी के हमनी के यहाँ का दोनों आदमी रहो मिलो जी। तो ये कौन बजे रहुए लोग है जी? ये बेरा हमनी के पूजा करनी है सब। ये बेरा जी ये बेरा उठा उठा के सब करनी है सब। माने यहाँ के रोनी है कहाँ जी? रोनी है बलू खंडा में जी। आ रहुए लोग कैंगन देखे जी? ये जी लड़का रल मतलब अति कलर लल वही तरी सुता दे लल ओमे सिंकाल के हमनी के अति कोनी से पूजा पाठ ए जी लेके आइनी आइलो आई कुछ मुहावा पर बुझाता तेल ओले बेरा लगावल बका जी काहे से कि चमक बाटे तनी। आ ई त मान ले कि जोन मूर्ति भाई पूरी रूप पूरा तरीका से पत्थर के मूर्ति बा। अभी कितना साल पहले के है कोनो जानकारी तो हमनी के मान ली तो पूरा तत्व विभाग बताई हमनी के तो कोनो जानकारी बा ना। लगभग एक वजन कितना हो जी मूर्ति? लगभग 70-75 किलो से बेसी ये बाटे। 70-75 किलो आई हमरा अंदाज से 2 फीट के ऊंचाई में भी मूर्ति बाटे, 2 फीट के ऊंचाई में भी बा। यहाँ रउआ सब देख सकता नहीं कि बहुत ज्यादा यहाँ जौन भीड़ बाटे, भीड़ के यहाँ देख सकता नहीं या जौन यहाँ पूजा पाठ बा। हालांकि अक्सर हाँ ऐसा देखल जाला कि जब भी ये तरीका के कुछ होला तो पूजा पाठ शुरू हो जाला। चलिए यहाँ पे तिवारी जी मौजूद हैं, उपेंद्र तिवारी जी। तिवारी जी थोड़ा इधर आप आ जाइए, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? देखिए आस्था का विषय है, हो सकता है पुराने समय में कुछ लोग यहाँ पूजा पाठ करते हो, क्योंकि लगभग लगभग हमको लगा 7-8 फीट नीचे ये मूर्ति मिली है जो देखने से महसूस हो रहा है। हाँ 7-8 मुझे तो लगता है कि 20 फीट नीचे से हो भी सकता है, ऊंचाई वहाँ पे है 20 फीट नीचे ये खुदाई किया गया है। जेसीबी वगैरह से मुझे लगता है कि यहाँ से माटी वगैरह निकाला गया है और उसी में से ये मूर्ति निकला हुआ है। तो मूर्ति तो पूर्ण रूप से ये विष्णु भगवान लग रहा है, विष्णु भगवान का ही है क्योंकि शंख वंख है, गदा उदा है, तो ये विष्णु भगवान का ही मूर्ति प्रतीत हो रहा है। अब ये तो पुरातत्व विभाग इसके बारे में और भी जांच करेगा कि कितना साल पुराना है, क्या है, कैसे है, लेकिन आस्था का विषय है। हो सकता है पुराने समय में जो यहाँ गांव बस्ती हो या रहे हों वो यहाँ पर पूजा पाठ करते हों और समय के अनुसार या जो पृथ्वी की उथल पुथल हो या जो भी हो जिसके कारण ये उजाड़ बस्ती हो गया हो और नीचे दब गया हो, ये हो सकता है और ये मानना भी पड़ेगा क्योंकि जो आँख के सामने है उसको तो इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो बाबा ये अब तो पत्थर क्या है, पत्थर के बारे में, पत्थर के बारे में तो पुरातत्व विभाग बताया कितने साल कितना पुराना, लेकिन पुराना है, पुराना है क्योंकि इस तरह की मूर्तियां देखने को कम ही मिलती है। आजकल के परिवेश में नहीं है ये, हमको लग रहा है हो सकता है 500-2000 साल पुरानी मूर्ति हो जो कि देखने से महसूस हो रहा है इसका जो रूपरेखा है। अब इसके बारे में मैं पुरातत्व विभाग से भी आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, वो आए और जांच करें और इस पर एक शोध हो कि यहाँ पर पुराने समय में भी यहाँ बस्तियाँ थी, ये लगभग तो ये महसूस हो रहा है कि यहाँ भी लोग रहते थे। जी 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 चलिए नेताजी आप थोड़ा इधर आ जाइए जी, आप इधर आ जाइए।
यहाँ पे आपको कितने बजे पता चली इस मूर्ति के बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल को स्वागत करता हूँ। जी जी, हम ग्रामीणों द्वारा सूचना हमको मिला सुबह कि अपने यहाँ बालू खुदाई के दौरान कोई पुराना मूर्ति मिला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे मूर्ति को मतलब साफ सुथरा कर रहे थे, धो रहे थे, तो हम लोग भी सोचे कि चलते हैं, देखते हैं क्या बात है, सच क्या है, झूठ क्या है। यहाँ आने के बाद ही सारे लोगों को देखे, हम मूर्ति देखे तो पता लगा कि बहुत प्राचीन मूर्ति है, और मूर्ति के बारे में तो हम लोग ज़्यादा अनुभव नहीं रखते हैं, फिर भी मतलब इससे प्रतीत होता है कि ये मतलब विष्णु भगवान के पुराना मूर्ति है, भगवान का पुराना मूर्ति है, और मूर्ति की मान लीजिए कि जो भी बनावट है इस कदर है, आधुनिक युग का बनावट है। आधुनिक मुझे लगता है कि दो हजार साल पुरानी है। इसमें जो सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज देखिएगा, ये देखिए ये जो सीन है, जी जी, जो नीचे जो दिखाई दे रहा है, दो मूर्ति दिया गया है यहाँ है, बरौली प्रखंड के अंतर्गत ये रामपुर और मोहनपुर का बॉर्डर है पूरी तरीके से, और इस बॉर्डर पे भगवान विष्णु का यहाँ पे खुदाई हो रहा था। जेसीबी से एक नदी गुजरती है, धमई नदी, अब इस नदी में खुदाई चल रहा था, और इस खुदाई के दौरान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धमई नदी के बगल में, जी धमई नदी के बगल में ये विष्णु भगवान का मूर्ति जो कि मुझे लगता है कि 2 फीट की हाइट में है, और जो यहाँ पे उठाने वाले हैं, जो इस मूर्ति को उठाकर यहाँ पे रखे हुए हैं, इनका कहना है कि इस मूर्ति का जो वजन है 70 से 75 किलोग्राम है, और इसकी जो बाएं है, और ये बड़ा जो मूर्ति है ये टूट सा गया है, जेसीबी वगैरह से टूट फूट सा गया है, यहाँ पे एक शंख का भी निशान है, और नीचे भी देखिए यही चीज यहाँ भी होना चाहिए। जी जी जी, सेम ऐसे ही निकला हुआ, देखिए इसके अंदर मूर्ति है, ये मूर्ति है, ये चीज टूट गया है, और बांह ऊपर जो भी हो इनका चक्र गदा जो भी हो माना जा सकता है, क्योंकि शंख है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक विष्णु भगवान का जो मूर्ति है यहाँ पे प्राप्त हुआ है, और आसपास में अभी फिलहाल पता लोगों को चल रहा है, और जो ऐसे वैसे लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे 11:30 बजे दिन में पहुंचा हूँ, और शाम तक यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होने लगे, और पूजा पाठ भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। हालांकि ये जो भी विषय है कोई आश्चर्य की विषय नहीं है, जगह जगह पे खुदाई होती है, और खुदाई होने के दौरान तरह तरह के सामान मिलते रहते हैं, उनमें से बहुत सी मूर्तियां निकलती है, बहुत से तांबे वगैरह का जो बर्तन वगैरह है वो भी निकल जाते हैं, तो इसमें कोई खास आश्चर्य की बात नहीं है। और यहाँ पे ये जो आसपास के लोग हैं अब यहाँ पे पहुंचने शुरू हो गए हैं, और शाम तक मुझे लगता है कि काफी संख्या में यहाँ पे भीड़ जमा हो जाएगा, और मुझे लगता है कि इनको किसी ना किसी आप कहीं ना कहीं इनको जो मंदिर है उसमें ले जाकर कुछ लोग यहाँ पे जागरूक होंगे तो ले जाकर स्थापित करेंगे। तो ये अब ग्रामीणों पे निर्भर करता है कि ये बाद में जी मतलब कि सर ये मंदिर वगैरह बना दिया जनता, अगर आइए आइए इधर आइए, ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर जानता चाहे तो यहाँ पर मंदिर बन सकता है, विष्णु भगवान का मंदिर यहाँ पर बन सकता है, जो भी मोहनपुर रामपुर ये तीन गांव का सीमा, तीनों गांव चाहे तो यहाँ पर राज की जमीन बोला, हाँ बोले बोले राज की जमीन राजदान में दिया कहना है कि अगर यहाँ के लोग जागरूक बोले बोले यही पे विष्णु भगवान का मंदिर यहाँ कर हटी 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 जी बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले का राज का जमीन था जो दान में दिया गया है, तो यहाँ पे ये मूर्ति निकला हुआ है, तो ग्रामीणों का कहना का मतलब ये है कि जब यहाँ पे मूर्ति निकला है तो यहीं पे मंदिर स्थापित किया जाए, ठीक है ना। ये तीनों चारों गांव का सीमा पड़ता है, ये आने जाने में कोई तकलीफ भी नहीं होगा, और रोड भी सामने से गुजर रहा है, ठीक है ना, इसलिए ग्रामीणों का यही सूचना है। चलिए चलिए, आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मोहनपुर गाँव में
नगर परिषद ब्रावली है और वार्ड नंबर 25 है और यहाँ पे 2 फीट का एक मूर्ति है जो विष्णु भगवान का मूर्ति है, ये प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान। यहाँ पे जेसीबी वगैरह से कुछ मिट्टी का खुदाई हो रहा था और इसी दौरान ये मिला हुआ है। ग्रामीणों का विचार है कि यहीं पे मंदिर बनाकर इस मूर्ति की स्थापना कर दी जाए की। तो चलिए अब आगे इसमें जैसे भी कुछ सूचना होती है तो फिर मैं आप सभी को सूचित करूंगा कि आगे इसमें क्या हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।